हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए आपके लिए एक नया टॉपिक, वो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हमारी वो है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स जो टर्म है वो टर्म कॉइन की थी विलियम बैटसन ने। विलियम बैटसन ने 1905 में जो है ये टर्म कॉइन की थी, ठीक है। और जेनेटिक्स होती क्या है उसके बारे में बात करें अपन। तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, यानी इसके अंदर जो है डीएनए के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स की स्टडी की जाती है। जेनेटिक वेरिएशंस, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस पाए जा रहे हैं उन वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। एंड हेरिडिटी, यानी ये वेरिएशंस, यानी ये जो विभिन्नताएं, या अपन बात करें ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो किस तरीके से आते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन क्या है, किस तरीके के जीन पाए जा रहे हैं, उनके अंदर क्या जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं, और उनके अंदर जो है क्या हेरिडिटी, उसकी हेरिडिटी क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो वो होती है जेनेटिक्स। उसके बाद अपन बात करें सेकेंड टर्म जो है वो है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है? तो हमको पता है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, यानी हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स की, यानी अगर अपन अपनी फैमिली का ही एग्जांपल ले, तो अपनी फैमिली के एग्जांपल में हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स अलग है, पेरेंट्स अलग अलग दिखते हैं, अपने भाई बहन अंकल वगैरह सब जो है अपने घर में जितने भी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं सारे अलग दिख रहे हैं। या अपन बात करें एक फैमिली के अंदर, यानी अपने पेरेंट्स और उनके बच्चे, वो सारे जो है वो अलग दिखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, इसका मतलब है कि एक ही फैमिली के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी के अंदर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, उसे कहते हैं वेरिएशन। या डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशंस की बात करें अपन, जैसे एक वाइल्ड पॉपुलेशन से, जैसे मान लो ये कोई पॉपुलेशन है जो है जिराफ की, ठीक है, और ये पॉपुलेशन है जीब्रा की, ठीक है। तो जिराफ की पॉपुलेशन और जेब्रा की जो पॉपुलेशन है वो दोनों डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस पाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तीसरी जो टर्म है हमारी हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है? ये जो वेरिएशंस किस वजह से आते हैं, ठीक है, यानी ये वेरिएशंस जिस वजह से आ रहे हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी, यानी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन होना या ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो कहलाती है हेरिडिटी। जैसे अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर जो है आधे फादर से और आधे मदर से, जो हमारे इंडिविजुअल्स यानी हम जो है या उनकी प्रोजेनी जो है उनकी संतान जो है उनके अंदर जो आ रहे हैं कैरेक्टर्स, उसको बोलते हैं अपन ट्रेट्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, उसको हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें जीन की। तो जीन जो है सबसे पहले जो टर्म है कॉइन की थी विलहेल्म जोहानसन 1909 में विलहेल्म जोहानसन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो है जीन की जो टर्म है उसको कॉइन किया था। और जो जीन क्या होता है उसके बारे में बात करें अपन, तो द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी किसकी वजह से हो रही है, यानी ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर किस वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं जीन के वजह से। यानी हेरिडिटी का जो मेन मकसद है वो किसके वजह से मतलब हो रहा है पूरा, वो हो रहा है जीन की वजह से पूरा। तो द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी को पूरा, हेरिडिटी की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, जीन, ठीक है। तो यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, जीन्स के ऊपर, ठीक है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी ये क्या करता है, जीन के पास वो इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वही जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन जो है जैसे अपने हेयर का कलर क्या हो सकता है, आई का कलर क्या हो सकता है, हेयर का टाइप क्या हो सकता है, बॉडी का टाइप क्या हो सकता है, स्किन टाइप क्या हो सकता है, कलर कैसा हो सकता है, तो वो सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के अंदर होती है। वो जीन्स जो है एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है इन कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी ये क्या होता है, जीन क्या होता है, एक बेसिकली ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, डीएनए का एक टुकड़ा मान लो, उसके अंदर एक पूरी इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, ये वाले ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इन न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में मान लो ये एटी हो गया, जीसी हो गया, सीजी हो गया, टीए हो गया, ठीक है, एटी हो गया, एटी हो गया, तो ये पूरा एक
कोड है या एक पूरी जो न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्म है, ठीक है, ये पूरी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर क्या पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को लेकर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कंपोज ऑफ ट्रांसक्राइब रीजन, यानी इसके अंदर एक ट्रांसक्राइब रीजन होता है और एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाने में काम आती है। यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको एमआरएनए में कैसे ट्रांसफर करना है, तो उस प्रोसेस को, मतलब एक जीन या डीएनए से जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो उसके अंदर जीन के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसक्राइब रीजन होता है और एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। मान लो ये कोई जीन है, ये कोई जीन है, इसके अंदर ये वाली जो सीक्वेंस है ये ट्रांसक्राइब सीक्वेंस है, यानी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे से आगे ट्रांसफर होगी, एमआरएनए बनाएगी, और इसके आगे वाली ये जो सीक्वेंस है जो है ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो इस जीन को इस प्रोसेस में हेल्प करेगी, यानी इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में हेल्प करेगी, इसको कॉपी करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जीन का काम होता है। तो जीन क्या होता है, बेसिकली पूरे डीएनए का जो फंक्शनल हिस्सा होगा, एक सेगमेंट होगा जिसके अंदर पूरा एक कैरेक्टर बना होगा, उसको अपन बोलेंगे जीन, ठीक है। तो ये होगी कुछ बेसिक टर्म्स। इसके अलावा कुछ टर्म्स है उनके बारे में बात करें अपन, तो एक आती है टर्म एलील, एलील के बारे में बात करें। एलील क्या होती है, एलील क्या होती है, ठीक है, एलील क्या होती है, द डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ठीक है। यानी किसी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, यानी एक जीन के अंदर एक कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को शो करने वाले जो होंगी दो एलील होगी। मान लो एक लंबेपन का जीन है, ठीक है, यानी जो क्या है, टॉलनेस का जीन है, ठीक है, अब लंबेपन का, ठीक है, वो हाइट का जीन है, ठीक है, मान लो। तो हाइट का जीन है वो दो तरीके से हो सकता है, ये हाइट का जीन है, अब इसकी दो एलील हो सकती है, अब हाइट या तो लंबी हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। तो ये तो होगी टॉलनेस, क्या होगी शॉर्टनेस, ठीक है। तो एक जीन की दो एलील होती है, ठीक है। तो एलील यानी द डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी एक जीन की बहुत सारी जो है एलील हो सकती है, नॉर्मली दो भी होती है, मल्टी एलील भी होते हैं कुछ जीन, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि किसी एक जीन या किसी एक कैरेक्टर के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आंखों का कलर है, ब्लू होना, ब्राउन होना, ग्रीन होना, ठीक है, ब्लैक होना, तो ये सारा जो है किसका खेल है, ये एलील का खेल है। यानी ये सारी अलग अलग टाइप की एलील होगी, ब्लू कलर की अलग एलील होगी, ग्रीन कलर की अलग एलील होगी, ब्राउन कलर की अलग एलील होगी, ब्लैक कलर की अलग एलील होगी। तो ये सारे क्या है, किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं अपन, एलील, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एलील जो है, ठीक है, एलील जो है वो एक फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। मान लो ये कोई क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, और ये जो है इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, समझ में आ गया। पूरा क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मान लो अगर ये हाइट का जीन यहां है तो ये फिक्स पोजीशन पे होगा, दूसरे जो इसका दूसरा क्रोमेटिड है, यानी एक क्रोमोसोम का जो दूसरा क्रोमेटिड है उसके भी इसी जगह पे ये सिंगल लोकस, लोकस का मतलब है फिक्स पोजीशन, यानी किसी भी क्रोमेटिड या किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं लोकस। यानी किसी जीन, यानी ये जीन अगर यहां पाया जा रहा है, इस जीन की एक एलील यहां पाई जा रही है, दूसरी एलील क्या पाई जा रही है, यहां पर, यानी ये मान लो हाइट का जीन है, टॉलनेस, टॉलनेस को बोलते हैं अपन कैपिटल टी से, ठीक है, और शॉर्टनेस को बोलते हैं स्मॉल टी से। तो यानी अगर टॉलनेस का जीन यहां पर पाया जा रहा है तो टॉलनेस, ठीक है, यानी हाइट का जीन अगर यहां पाया जा रहा है तो इसका एक एलील, यानी टॉलनेस वाली एलील यहां पर है, शॉर्टनेस वाली एलील यहां पर है, और ये दोनों क्रोमोसोम, अगर ये दोनों अगर मिलकर क्रोमोसोम बनाते तो इस तरीके से होगा, ये एक फिक्स पोजिशन पे होंगे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है एलील होती है, एलील दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है डोमिनेंट और सेकेंड होती है रिसेसिव। अब डोमिनेंट एलील क्या होती है, डोमिनेंट एलील वो होती है, डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है कि किसी जीन का वो एलील
जो अपना फिनोटाइप इफेक्ट जो है शो करता है, यानी जो प्रोजेनी में, यानी अगर पेरेंट्स से अगर प्रोजेनी बन रही है, तो अगर मान लो पेरेंट्स में से दोनों में से कोई जो है अगर एक लंबा है, तो लंबेपन का जो है एलील जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। अब ये उन पेरेंट्स में से कोई लंबा है तो प्रोजेनी में अगर वो इफेक्ट शो हो रहा है लंबेपन का, तो वो जीन जो है वो डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो एलील जो अपना फिनोटिपिक इफेक्ट शो करे वो होती है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एलील। उसके बाद होती है रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील का मतलब ये होता है कि एलील जो अपना फिनोटिपिक इफेक्ट शो नहीं करती है उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। समझ में आ गया? ये कैरेक्टर जो है वो हाइड हो जाता है, किसकी वजह से? डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से हाइड हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट। यानी कि ऐसा एलील, यानी किसी जीन की दो एलील है, टॉलनेस और शॉर्टनेस, यानी जो अपना इफेक्ट शो करेगी वो ही डोमिनेंट, ठीक है, और जो इफेक्ट शो नहीं करेगी वो ही रिसेसिव। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एलील की दो पार्ट होते हैं, डोमिनेंट पार्ट और रिसेसिव पार्ट, ठीक है, या डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। इसके बाद आते हैं ये कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस कंडीशन। ये क्या होती है? होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी जो एलील अगर साथ में आती है, यानी किसी एक जीन का जब किसी एक क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ, उसके साथ अगर जो है ये जो जीन ट्रांसफर होता है, तो जीन के ट्रांसफर होने पे अगर एलील जो है दोनों एक ही एलील ट्रांसफर हुई है, मान लो या तो दोनों डोमिनेंट एलील हो या दोनों रिसेसिव एलील हो, ठीक है, यानी डोमिनेंट एलील, मान लो डोमिनेंट जो होती है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है ए, ठीक है, और रिसेसिव जो होती है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। अगर दोनों एलील, ठीक है, अगर दोनों सेम है, एलील दोनों सेम है, तो उनको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है, दोनों अगर सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, और अगर दोनों डिफरेंट है तो उनको क्या बोलेंगे? डिफरेंट एलील्स होगी तो उनको क्या बोलेंगे? हेटरोजाइगस। समझ में आ गया? हेटरोजाइगस कंडीशन क्या होती है? एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव, अगर दोनों साथ में आ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेटरोजाइगस, यानी जब जीन ट्रांसफर होते हैं तो उनके साथ साथ उनकी एलील्स भी ट्रांसफर होती है। अब अगर किसी के अंदर मदर और फादर से, अपन को भी पता है कि हैप्लोइड क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, यानी मान लो अगर ये क्रोमोसोम होगा, अगर ये फादर में, ठीक है, ये मदर में, ठीक है, मान लो ये जो है अपन ने बताया था ये टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस का एलील, टॉलनेस एलील है किसी हाइट के जीन की, ठीक है, और ये है शॉर्टनेस वाली, ठीक है। अगर मान लो फादर से ये वाला पार्ट आया और मदर से ये वाला पार्ट आया, दोनों टीटी हो गया, यानी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन हो गई। और अगर मान लो ये दोनों में से ओनली ये वाला और ये वाला आया होता, ठीक है, तो भी क्या होती? होमोजाइगस कंडीशन होती, दोनों जो एलील है साथ में एक जैसी आई है, ठीक है। अगर रिसेसिव की बात, अगर हेटरोजाइगस की बात करें, तो इसकी ये आती और इसकी ये आती, तो हेटरोजाइगस बन जाता। समझ आ गया? तो इस तरीके से जो है होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील जो है मदर और फादर से, जो पेरेंट से जो आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ गया? चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। और अगर हेटरोजाइगस होगा तो मदर और फादर से जो आने वाली एलील है वो दोनों क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन। उसके बाद अपन बात करते हैं क्रोमेटीन क्या होता है। क्रोमेटीन, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स, इसके बारे में बात करें अपन, क्या होते हैं? क्रोमेटीन क्या होता है? ये डीएनए का फाइबर होता है जो न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस जो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटीन। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, अब ये आगे जाके जो है कुछ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए के साथ जो है ये मिलके क्या बना देता है? न्यूक्लियोसोम।
ये प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, इनके साथ मिलके एक हिस्टोन का ऑक्टोमर चार उस तरफ है, ये बना के ये डीएनए इसके ऊपर दो बार रैप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वापस आगे जाएगा, इसके ऊपर वापस न्यूक्लियोसोम्स आएगा। ठीक है, अभी वापस ये आगे जाएगा तो यहाँ पे वापस न्यूक्लियोसोम आ जाएगा, यानी प्रोटीन जो होते हैं हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए फाइबर जो मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसोम, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी न्यूक्लियोसोम के साथ जो डीएनए फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर बीड्स, यानी यानी एक मण के जो होते हैं ना, माला के ऊपर जो ऐसे जो होते हैं ना मोती, उसकी तरह ये एक डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन फाइबर, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन क्रोमेटिन। अब ये क्या करते हैं, ये आगे जाके कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए के साथ मिक्स होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। यानी वो तो होता है क्रोमेटिन फाइबर, ये होता है क्रोमेटिन, इसके ऊपर डीएनए रैप रहता है, यानी डीएनए इसके ऊपर लपेट जाता है। ठीक है, ये बन गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड, यानी अपन को पता है नॉन स्टोन प्रोटीन्स और क्या है कुछ आरएनए के साथ मिलकर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। सिंपल ये क्या है कि क्रोमेटिड क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का जब डिवीजन करते हैं तो उसकी पर रेप्लिका यानी ईच रेप्लिका जो होती है वो क्या होती है, एक क्रोमेटिड होती है। यानी ये क्रोमोसोम है, इसको अपन ने डिवाइड किया, ये क्या हो गए क्रोमेटिड, और ये किसके बने हुए हैं, इन क्रोमेटिन फाइबर से ही कंडेंस होके बने हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं आगे जाके और कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस हो जाने के बाद एक सेंट्रोमियर जो होता है उनको दोनों को बॉन्ड करके रखता है, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को बॉन्ड करके रखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन क्रोमोसोम। ये थोड़ा और आगे जाएगा और इस तरीके से ये एक तो बन गया था, कंटिन्यूस होता है ये, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इट इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डीएनए, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है, और ये प्रत्येक ये कहलाएंगे क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, और ये दोनों आपस में दोनों क्या कहलाएंगी, आपस में दोनों कहलाएगी सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, आपस में क्या कहलाएंगी एक दूसरे की, सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया, तो ये जो होता है पूरा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड्स आते हैं, उसके बाद आते क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद आते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी ये दूसरे आपस में क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगी। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए होता है इनके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, और क्या होता है आरएनए। ठीक है, इन चारों चीजों से मिलकर जो बनता है वो होता है क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म होती है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में बात करें अपन। ठीक है, इसके बाद आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो शेप और साइज में इक्वल हो उनको क्या बोलते हैं अपन, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ए पेयर यानी ये पूरा जोड़ी होगा क्रोमोसोम का,
एंड ए पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं उसको अपन, ठीक है, नहीं क्रोमोसोम्स, ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच इज सिमिलर इन शेप एंड साइज, ठीक है, शेप और साइज में जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक मदर से आता है एक फादर से आता है, यानी ये दोनों क्रोमोसोम जो है मदर और फादर से जो है आते हैं, और ये शेप और साइज में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखो मान लो ये क्रोमोसोम है, इनके एलील्स अलग अलग हो सकते हैं और जीन क्या होंगे इन सभी दोनों के अंदर सेम, पर इनकी एलील जो है वो अलग अलग हो सकती है, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर इन शेप एंड साइज, इनके अंदर एलील अलग अलग हो सकती है पर इनके अंदर क्या होगा, जीन सेम होंगे और ईच वन कम फ्रॉम या ईच पेयर कम फ्रॉम फादर एंड मदर, ठीक है, दोनों से आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक हार्ले क्वीन क्रोमोसोम। हार्ले क्वीन क्रोमोसोम क्या होता है मैं बता देता हूं, हार्ले क्वीन क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, मैंने बताया ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों अलग अलग स्ट्रेन लेते हैं, यानी जब इसको स्ट्रेन किया जाता है तो ये तो लेता है डार्क स्ट्रेन, मान लो कोई भी एक जो होगा वो तो डार्क स्ट्रेन लेगा और एक जो होगा वो क्या होगा लाइट स्ट्रेन लेगा। तो इस तरीके के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हार्ले क्वीन क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है और ज्यादा अच्छी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।